Hey guys, once again welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. I'm also fine. तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ मैं ब्लॉग शुरू करके आपको सबसे पहले यही बताती हूँ. तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज है मुकुल भैया का एग्जीबिशन गेयटी थिएटर में. लाइक बहुत सारे आर्ट के है, फोटोग्राफी, ट्रेडिशनल आर्ट, ऐसा ऐसा एग्जीबिशन लगने वाला है आज गेयटी थिएटर में. तो मैं भी जा रही हूँ. लाइक भैया का पहली बार ये एग्जीबिशन लग रहा है तो थोड़ा चीयर अप करने के लिए भैया के साथ. तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे ना 9 बजे भैया के पास पहुंचना था सुम्पटी. और टाइम हो गए हैं 8:53. तो बस निकलती हूँ मैं. अब मेरे को जैकेट निकलेंगे और अच्छा मेरे को जैकेट पहनने के लिए रह गया है. आ गया मेरा जैकेट. और गाइस एग्जैक्ट टाइम हो चुका है 9:00. मुकुल भैया को ऑल द बेस्ट बोलो. मुकुल भैया ऑल द बेस्ट. बाय बाय बाय. सो गाइस अभी हम आए भराड़ी क्योंकि हमने यहाँ पे बुआ को ड्रॉप करना था और बुआ हमारे साथ नहीं आ रहे. मैं मुकुल भैया ही है आज. हम आपको मिस करेंगे. आपको बुआ की पेंटिंग भी दिखाती जो बुआ ने स्कूल में कर रखी है पर अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है. तो चलो ठीक है ठीक है, आराम से जाना. भी कॉल कर देना मुझे. ओके ओके ओके. ओ गॉड इतने बच्चे. चलिए जी गाइस, आज मैं पहली बार ही संजौली कॉलेज आई हूं तो आज यहां का माहौल भी देखते हैं. मुझे आना है, मुझे आना है. देख ली तेरी मर्जी है. चल बिल्कुल वहां सीट है. मुझे अजीब लगता है. चल यार मेरे साथ. अभी हम ना मॉल पे पहुंच गए गाइस. इस बार मैं और भैया विक्की बैठे हमारे साथ, वो हमें छोड़ के चले गए हैं. अभी अभी हम दो ही है और फर्स्ट टाइम हम दोनों अकेले घूम रहे हैं. बना रही थी सो गाइस आई चेंज माय जैकेट. मेरे को ना बहुत बुरा लग रहा था उसमें तो मैं बिना फिर मैंने अपनी रक्षा से न्यू जैकेट लिया. और अभी सुबह आते ही मैंने सुबह सुबह खर्चा कर चुकी हूँ अपना. और हमें मिले हमारी मासी, यंग मासी. भी हम पहुंच गए हैं एंड यहाँ रही भैया की पिक्चर. मतलब मैं तो आर्टिस्ट के साथ ये है भैया के सर जिन्होंने इन्हें सिखाया हुआ है. और अंदर मैक्सिमम बच्चे जिनके आर्ट लगे हैं वो भी यशवंत सर के स्टूडेंट ही है. इनका अपना सेंटर है संजौली में. मुकुल फिर कहाँ से. नमस्कार. ये देखो पहला तो यही है ठीक है. और फिर तुम्हारा आ गया ये मुकुल भैया का आठ. और एक और चौथी वाली. एक्चुअली इस वाला हमारा फोटो मैनिपुलेशन वाला ही थीम था. इलस्ट्रेशन थोड़ा हमने कम रखा था. इलस्ट्रेशन सिर्फ वो थी जो मतलब थोड़ा सा हिमाचली थीम के साथ थोड़ा मैच करती थी ना. कोई बात ठीक है. बाकी मेरे पास जो थी वो कोई बात So guys, यहाँ पे डिजिटल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है और फोटोग्राफी है. फोटोज तो हम देख ही रहे कि ये कितनी अच्छी क्लिक की है बट ये जितने सिंपल हमें देखने में लगती है ना, आई नो इसके पीछे इतना ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड, हार्डवर्क, एफर्ट और एक्सपीरियंस लगा होगा तभी ऐसी फोटोज सामने निकल के आती है विच आर अमेजिंग. बुक मार्क्स भी है, छोटी पेंटिंग्स भी है और जो ये बड़ी पेंटिंग्स है इनके छोटे पोस्ट कार्ड भी है. तो अगर किसी को पसंद आ रही है तो वो यहाँ से खरीद भी सकता है. यहाँ से नीचे वाला जो फ्लोर है यहाँ पे भी पेंटिंग्स लगी हुई है. You can see. चलो अब नीचे जाके देखते हैं क्या है. So guys, let's start with these Madhubani art, which are amazing, amazing. इसे देखने के बाद तो मुझे भी अब inspiration मिल रही है कि यार मैं भी start कर दूँ. अगली बारी मैं भी अपने
आर्ट यहाँ पे लगाऊंगी, मुझे मधुबनी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे डीने लगाए थे, तो मेरा भी अब मन कर रहा है कि मैं भी घर जाके ये सब करूँ. एंड दीज स्केचेस विच आर अमेजिंग, ये पता है सामने इतने रियल लग रहे हैं ना गाइज, ये आपको भी कैमरे में नहीं लग रहे होंगे इतने. एंड दीज तो ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार मेरे सामने ही कोई है, ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा सुंदर थे. जतिन ने बनाए हुए जो दैट बॉय जिससे मुकुल भाई उस टाइम पर बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा रियल ये आर्ट लग रहे हैं. सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे अच्छे जो मुझे लग रहे हैं ना वो है ये वाटर आर्ट, जिन्हें ना मैं देख के एकदम ही ऐसे होगी कि यार ये कैसे बनाया हुआ और ये कितना टफ है ये बनाना ना. तो मेरे को तो मन कर रहा है कि जिसने बनाया ना आर्टिस्ट ने, सबसे पहले ना उसे जाके बात ही कर लेती. सो गाइस ये इस कोरन जिनकी मैंने आपको पेंटिंग्स दिखाई, जो कि बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग्स इन्होंने बनाई है. तो आपने मतलब कहाँ से सिखाई, कितना टाइम लगा आपको सीखने में? ये मैंने पेंटिंग में लास्ट बैचलर्स और मास्टर्स किए हैं. लास्ट मास्टर्स मेरी HBU से ही है और मैं मेजरली वाटर कलर पेंटिंग्स करता हूँ. अभी मेरी जो इस एग्जीबिशन में पेंटिंग्स डिस्प्लेड है वो शिमला और हिमाचल के वर्क्स के ऊपर डिस्प्लेड है. अमेजिंग जो मैंने आपको दिखा भी दिया गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेंटिंग. और मैं इनका पेज है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन फॉलो. एक दिल खुश हो गया इनकी पेंटिंग से, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई बहुत. आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड मेरी मुझ में भी एक दबा हुआ आर्टिस्ट है, जो कि मुझे लगता था कि मैं कभी अच्छा नहीं कर सकती, बट द थिंग आई लर्न टुडे इज़ कि फॉलो योर पैशन. स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप ख़राब चीज़ें बनाओ, बट अगर आप उसको फॉलो करो तो आप कहीं ना कहीं बाद में अच्छे हो जाओगे. ऊपर को आ गए, तभी हम खा रहे हैं सॉफ्टी से. तो अभी हम वापस ही जा रहे थे और हमें जाते जाते मिले अरुणोदय के डैड, अरुणोदय जो KBC में गया था. आई नो आप लोगों को याद होगा. ओके तो जाओ. मेरा फोन तक नहीं. मोमोस इधर. तनान तनान. या तो मैं ही आऊंगी या तो आप ही आ पाओगे. तो गाइस हमने जहाँ पे खाया ना हमारा, वहाँ पे बिल्कुल भी पेट नहीं भरा, वो ऐसा था कि दाल मिले था बट सोने के जैसा. तो हम कहीं और जा रहे हैं. हम ले आए हैं कोल्ड कॉफी एंड बर्गर. और हमने आज खाने पे ऐसे रूम में रखे हैं ना, एक दुकान पे रुक रहे हैं फिर दूसरी शॉप पे रुक रहे हैं. और मेरे को ना बार बार भैया मोटिवेट कर रहे हैं कि ब्लॉग ना क्योंकि इन्हें भी अच्छा लग रहा है. क्या पता कुछ टाइम बाद भैया भी स्टार्ट कर दें अपना ब्लॉगिंग चैनल. भैया को अच्छा लग रहा है, कहते मुझे ब्लॉग में भी, मुझे ब्लॉग भैया इज मोटिवेटिंग मी. हमारी कॉफी भी ले गया, हमारा बर्गर. भैया मेरी एक कॉफी वहीं पे, अभी उसने भी टच भी नहीं किया भाई से. तो हमने बर्गर ऑर्डर किया था इसके लिए और हमारी कॉफी भी थी इसके लिए, अभी एक और कॉफी बची हुई है, ये गिरा दी इसने. थैंक यू. हमारी 400 रुपए बर्बाद. काफी देर इधर उधर घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं. सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं और अभी हम संजौली कॉलेज तक पैदल जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी है पर जो भैया की चेयर है ना वो फोल्ड नहीं होती है, लाइक बहुत ज्यादा स्यापा है उसमें. हम अच्छा तो फोल्ड होती है और टाइम ज्यादा लगता है. अभी हम एग खा रहे हैं, खा खा के ना भाई आज हमने इतना. अरे वो तो खा जब युवा कॉफी कॉफी बंदरों ने उड़ा दी हमारी कॉफी. नहीं पीनी खाओ भाई. छोटी नहीं सुन रहा नहीं कौन गिर गई भाई. छोटा शिमला किधर है? छोटी लगेदार नहीं मिले. ये वो देखो यहीं पे है. बाय कर दो. बाय बाय. हेलो हेलो. आज मैं खूब दौड़ूंगा. क्यों दौड़ेगा? कहाँ जा रहे हो? तो भैया मुझे घर तक आए थे ड्रॉप करने, अभी ड्रॉप करके चले गए हैं. एंड नाउ आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू शूट, सो I'm ending my vlog right now, right here.
अच्छा तो मैं क्या बोलती हूँ, मेरे को ना आज बड़ा अच्छा लगा यार वो आर्ट देख के। मैं सोच रही हूँ ना जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, अभी तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके बाद ना मैं मधुबनी आर्ट ट्राई करूँगी। सो यार लाइक दिस इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। और मैंने ना सभी आर्टिस्ट के जो उनके पेज है ना वो मैंने टैग कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके ना ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर लाइक करना उनको। आपका एक लाइक ना बहुत मोटिवेट करता है हमें। तो इसी तरह जो मेरा चैनल है इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने जैसे कि कहा आपका एक लाइक, हम आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो यार गाइस दिस इज़ इट, अब मिलेंगे हम शिवरात्रि पर। बाय बाय।